महापानों ने जो 16 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। जब अज्ञात वासमाए थे तो उन्होंने जो इन्हीं गुफाओं में मतलब उन्होंने अपना समय बिताया। हम लोगों ने जो है यहाँ पे 2-4 लोगों ने मिल के यहाँ खुदाई करी। हमने उस सुरंग को देखना चाहा कि भाई अंदर जो है कैसा है, तो जगह कम थी तो खोदना जब शुरू किया तो हमें ऊपर जो है एक शिवलिंग की आकृति मिली वहाँ पे, जहाँ जो है जल टपकता है। दोस्तों, एक जगह पर 1 लाख शिवलिंग, क्या आप यकीन मानोगे कि हैं? और अगर हैं तो इसको कौन लाया, किसने इसको यहाँ पर बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके मिस्टिक। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका शिव एक खोज सीरीज़ में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं निकला हूँ भगवान शिव के मंदिरों की तलाश में और इसी तलाश को पूरा करते हुए आज मैं आया हूँ लाखा मंडल, जहाँ पर भगवान शिव का इतिहास है, कौरवों का इतिहास है और पांडवों का इतिहास है। दोस्तों, उत्तराखंड ना एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और अगर आप उत्तराखंड के जितने पौराणिक मंदिर है उनकी कड़ियाँ जोड़ने बैठोगे तो आपको महाभारत की कहानी पर भरोसा होने लगेगा। आपको पता चलेगा कि जो महाभारत की कहानी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, महाभारत ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, वो सब आपको इन मंदिरों की कहानी के थ्रू पता चलता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आ चुका हूँ देहरादून जिले के लाखा मंडल गांव में, जहाँ पर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, यानी कि लाखा मंडल। लाखा मंडल में आपको वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव पर भरोसा है, महाभारत की कहानी पर भरोसा है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत नई चीज़ें दिखाने वाले। देहरादून जिले का सबसे रहस्यमय मंदिर, जहां पर 1 लाख शिवलिंग कैसे आए, किसने बनाए, कब आए, ये सब एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, ये रहस्य उन लोगों के लिए है जो भगवान में नहीं मानते, महाभारत की कहानियों को केवल कल्पना मात्र मानते हैं। लेकिन आप और मैं जो एक डोर से बंधे हैं, उनके लिए इस कहानी का सार एकदम सामान्य है। जिनको भगवान पर आस्था है और जो चीज़ें जानने के इच्छुक हैं और जो हमारे महाकाव्य महाभारत में विश्वास रखते हैं, वो आज इस वीडियो के ज़रिए बिल्कुल नया जानेंगे, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। दोस्तों, सीधा मैं आपको पंडित जी के पास लेकर चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस जगह का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। हम पंडित ओम प्रकाश बोगोना जी हैं, हम यहीं की पुजारी है जी। लाखा मंडल जो ये मंदिर है जी, इसकी खोज है गाय माता ने की है। एक गाय जो है जमुना नदी पार से आती थी और यहाँ मतलब अंदर जाके जो दूध के धार चढ़ा के वापस चले जाते थे। इसकी खोज ये गाय माता ने की है जी। यहाँ पहले जंगल रहा होगा जी यहाँ ना, और फिर यहाँ मतलब पानों ने जो है ये मंदिर बनाए। पानों ने जो है 16 लाख शिवलिंग की स्थापना की है यहाँ। यहाँ मतलब 4 युग की शिवलिंग है जी। 16 लाख? हाँ, 16 लाख शिवलिंग स्थापना की है पानों ने ना। अच्छा। जब अज्ञात वासमा आए थे तो उन्होंने जो इन्हीं गुफाओं में मतलब उन्होंने अपना समय बिताया। यहाँ मतलब 4 युग के शिवलिंग है जी। द्वापर का है, त्रेता युग का है, कलयुग का है, मतलब अलग अलग युग के शिवलिंग है यहाँ। और ये धर्मराज युधिष्ठिरलिंग है जी ना, ये उनके द्वारपाले बताते हैं कि सतयुग में जो कोई मरते थे जी तो उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे पहले, और कुछ पल के लिए मतलब जीवित होता था जी। हाँ जी, वहाँ पे दो द्वारपाल बनाए गए। हाँ जी, यहाँ पे दो। हाँ जी, तो मतलब जो कोई मतलब मरते थे तो उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे पहले, और कुछ पल के लिए जो मतलब जीवित हो जाता। और यहाँ मतलब यात्री लोग मतलब बहुत सारे आते हैं इसमें, अप्रैल मई में, जून में, और दूर दूर से लोग आते हैं। पानों गुफाएँ बनी हुई ना, ये ऊपर भी चोटी में वो कुआँ है बना हुआ, इंटों का कुआँ है बना हुआ ऊपर, तो ये ऊपर वाली चोटी है। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग भगवान शिव के लिए स्थापित किया था। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा लाखा मंडल का एरिया है। और जिस वक्त अभी जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वो है शिवलिंग, जो कि युधिष्ठिर ने अपने हाथों से उस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये रास्ता है दोस्तों, ये पूरा लाखा मंडल का मंदिर है और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि सीधा जाता है उस शिवलिंग की तरफ। दोस्तों, यूं ही नहीं लाखा मंडल को रहस्यमय जगह बोला जाता है। ये जो आप तो शिवलिंग देख रहे हैं, ये जो बीच वाला शिवलिंग है ये युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है, और इसके आसपास 4 शिवलिंग आकृति हैं जो कि बाकी के 4 पांडवों के नाम से जानी जाती है। और जो बीच वाला शिवलिंग है उसके नाम से इसलिए जाना जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने हाथ से भगवान शिव को ये शिवलिंग समर्पित किया था और अपने हाथों से शिवलिंग का स्थापना इस जगह पर की थी। ये तो बात हो गई दोस्तों युधिष्ठिर की, जो कि उन्होंने अपना शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया था।
लेकिन अगर आप इन दो द्वारपालों को अगर आप देखोगे तो ये जो दो द्वारपाल हैं दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि जो इससे पहले वाला युग था, सतयुग था, उस युग में जब इस जगह पर इन दो द्वारपालों के बीच में किसी मरे हुए इंसान को रखा जाता था तो पंडित उसके मुंह में गंगा जल छिड़क कर उसे कुछ देर के लिए जिंदा करते थे और वो ओम नमः शिवाय बोलकर स्वर्ग सिधार जाता था। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था या तो राखा मंडल के प्रांगण में, ये शिवलिंग रेते बालू का है, ये शिवलिंग या तो वहाँ मिलेगा सोयत बंद रामेश्वर में या तो राखा मंडल के प्रांगण में, ये पूरे भारत देश में ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे आगे ये जो यहाँ पे ये पांडव नृत्य होता है, यहाँ पे पांडवों की ये चौंरी है, पांडवों की चौंरी जिसमें औजार रखे गए हैं, तो ये पांडव नृत्य होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे अंदर ये कुंती माँ की मूर्ति है, ये कुंती माता पांडवों की माता जी। जी जी, तो यहाँ पे ये आगे आगे ये जो है ये जो शिव के नंदीगण है, ये शिव के नंदीगण है मंदिर के ठीक दरबार के सामने। और आगे आप लोग अंदर चलेंगे तो आप लोगों को अंदर आप भगवान के दरबार में आए हैं, शिव जी भैरव देवता के मंदिर में। और ये हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान के दरबार में दर्शन करने के लिए। जय भोलेनाथ भगवान प्रवेश भगवान देवता। और जो ये माता जी के चरण है यहाँ पे पार्वती माँ के, कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को यहाँ पे तप किया था, ये तो ये पार्वती माँ के चरण है। 12,000 साल तक पार्वती माँ ने शिव पाने को तप किया था। और ये सामने जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है सत्यों का, जिसकी खोज गायनी की थी। और सामने सूर्य भगवान की बड़ी मूर्ति है विराट रूप में। 12 भाई तपमान हुआ था एक बार पृथ्वी के ऊपर। तो ये सामने फिर भैरव देवता है, काल भैरव देवता, जिस बेटी का, जिस भाई का, जिस बेटे का किसी का बच्चा नहीं होता है, तो यहाँ पे एक रात में किसी ने यहाँ पे तपस्या कर ली है, किसी माँ बेटी ने, तो 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ है। उनके बगल में दुर्गा माता है, शिव शंकर जी हैं। और ये सामने विष्णु भगवान है, खड़ी दीवार पे विष्णु भगवान जी की मूर्ति शेषनाग के साथ है। और आप लोग बाहर कुबेर भगवान जी है सामने, जो विश्व का भंडार भरने वाला है। और नंदी बैल के साथ शंकर जी हैं और गणेश भगवान जी हैं। और ये शिव परिवार है, शिव है, पार्वती माँ है, गणेश जी हैं, कार्तिक है, हनुमान जी हैं, नंदी बैल है, गंगा जी है, यमुना जी है, शेषनाग शिव परिवार। ये शेर सवारी माता, यमराज भैंस की सवारी में, नौग्रह देवता, अष्टग्रह देवता, खप्पर वाली माता, इन माँ के गलों में रुंडों की मुंडों की माला है। जब देवताओं का, राक्षसों का बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, देवता लोग हार मान के भागे, शंकर जी जो है लेट गए रास्ते में और माता जी का पांव पड़ा, वहीं पे गुस्सा शांत हुआ। ये तांडक नृत्य भगवान जी हैं, जब पार्वती माँ का और शंकर जी का विवाह हुआ था। और ये अंजनी माता है, हनुमान जी की मम्मी। तो यहाँ पे अनेक देवी देवता है, अनेक यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जी। यहाँ पे बेटा जैसा ये मंदिर है, तो इस मंदिर की जो बनावट है, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर, ये नीचे से नहीं बनाया, ये ऊपर से नीचे को बनाया गया है। और इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया है, उस गाय के खून के निशान है। ये देखो आप लोग, ये गाय माता के खून के निशान है, ये हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये गाय के खून के निशान है, पैर के निशान गाय माता के। और जो दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लक्ष्य गृह बनाया था लाका महल, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लालीट है चारों तरफ। और यहाँ से दुर्योधन ने यहाँ पे महल बनाया पांडवों को जलाने के लिए। और नीचे सड़क पे आपको ये प्राचीन गुफा मिलेगी, वो गुफा है पांडवों की दुंद गुफा। पांडव लोगों को यहाँ से विदुर ने स्वर्ग बनाई, यहाँ से विदुर ने स्वर्ग बनाई। तो उस गुफा के अंदर जाके यात्री लोग
जब जाएंगे तो उसके अंदर प्रवेश करेंगे, सुरंग में जाएंगे, उसके अंदर जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए, उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, राजा विराट जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है, उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है हरियाणा में जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। ये मूर्ति कौन सी है? हाँ, ये राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने अपने बेटी और ज्वाय को यज्ञ में ने बुलाया, पूरी तमाम दुनिया के लोगों को सबको बुलाया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में ये भद्र है, वीर भद्र सतयुग में, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, और इस कलयुग में ये भगवान है, इसका हीरे मोती का मुकुट है, और ये राक्षस है जिसको हम भूत भी कहते हैं, इसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। जो कोई हमारे इस इलाके में 24 गांव के बीच में राखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी इन द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी, और पंडित जी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था, ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से, मल्लेश्वर महादेव के नाम से। जो कोई इस इलाके में मरता था उनकी डेड बॉडी यहाँ रखी जाती थी शिवलिंग के मुख के द्वार में, और यहाँ पे पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे मंत्र द्वारा, उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। तो ये शिवलिंग मल्लेश्वर महादेव के नाम से है, और इसके चारों तरफ ये चार मठ है, ये भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है, ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं, और कि हमारे बड़े भाई के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। तो ये भगवान शंकर जी और ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के स्वयं रूप में है ये शिवलिंग, और ये शिवलिंग की जो रेखा है ये सीधी पश्चिम को है, इसका जो मुंह है इस शिवलिंग का वो पश्चिम को है। दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि एक गुफा है नीचे, यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है मंदिर से, नीचे आने के बाद आप देखोगे तो वहाँ पर पांडव लक्षाग्रह पार करके बाहर निकले थे। तो चलिए अब चलते हैं उस गुफा के अंदर, आपको भी दिखाता हूँ कि गुफा कैसी है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, थोड़ी देर तक मेरे साथ। तो ये है पांडव गुफा जो कि 2 किलोमीटर नीचे है मंदिर से, और ये जो गुफा है वो अंदर ही अंदर जाकर के मिल रही है जहाँ से आपको पंडित जी ने बताया था कि उस जगह से। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। तो पंडित जी बताओ कि अपना ये गुफा के बारे में क्या कुछ नई चीज़ जो लोगों को ना पता हो अभी। देखो, लोगों को पहले जो है ये गुफा थी, यहाँ पे ऐसी सुरंग जाती थी, लोग तरह तरह की बातें करते थे कि यहाँ से जी ये 2-2.5 किलोमीटर एक गांव में निकलती है, अंग्रेज़ों ने यहाँ से कुत्ता छोड़ा। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे 2-4 लोगों ने मिलके यहाँ खुदाई करी, हमने उस सुरंग को देखना चाहा कि भाई अंदर जो है कैसा है, तो जगह कम थी तो खोदना जब शुरू किया तो हमें ऊपर जो है एक शिवलिंग की आकृति मिली वहाँ पर जहाँ जो है जल टपकता है, उससे आगे हमने फिर उसको नहीं छेड़ा, हालांकि वो सुरंग जो है लंबी जाती है। फिर उसी के बगल में एक दूसरी सुरंग भी है, उसको भी हमने खोदने का देखने का प्रयास किया, तो आगे जो है मलवा भरा हुआ है, अगर हम टॉर्च लगाते तो दूर से दूर तक दिखाई देती है वो, ऐसी एक उसके नीचे भी सुरंग है, उसमें भी ऐसा ही है। बाकी जो 8-9 सुरंगें हैं इसके अंदर,
अलग अलग है। इसमें उजाला दूर तक दिखता है, लेकिन क्या है कि मलवा जैसे भरा हुआ है, उसमें आदमी अगर सीधा जाएगा तो उसको ऐसे लेट लेट के ही वापस आना पड़ेगा, तो जाने में तो खतरा है उसमें। और जैसे लोग बोलते हैं कि भाई लाख से ग्रह बनाया था, उसमें आग लगाई गई थी, वो क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, वो क्षेत्र जो है बरनावा में है। बरनावा जो है मेरठ और बागपत के बीच में पड़ता है, वहीं पे हस्तिनापुर था, वहीं पे बरनावा है। यहाँ का जो पौराणिक जो नाम मिलता है पुराणों में, आप पुराणों में देखेंगे तो यहाँ का जो पौराणिक नाम मिलता है, जब ये पांडव लोग यहाँ आए थे तो उस समय जो है इसको केदारमंडल बोलते थे। इस क्षेत्र का नाम जो है केदारमंडल के नाम से था, आज इसका नाम है लाखामंडल। तो केदारमंडल में जो है पांडव कब आए थे, जो उन्होंने व्यास जी ने सलाह दी थी पांडवों को कि भाई तुम केदारमंडल जाओ, वहाँ जो है भगवान चंद्रमौली शिव जी को प्रसन्न करो, तो जब भगवान तुम्हें प्रसन्न होकर दर्शन देंगे, तो जब तुम स्वशरीर भगवान को स्पर्श कर लेंगे तब तुम्हारा पाप मोचन होगा। तो यहाँ से शुरुआत की पांडवों ने, यहाँ जो बोलते हैं लोग कि भाई 125,000 शिवलिंग उन्होंने स्थापित किए, जगह जगह उसके अवशेष भी मिलते हैं। तो जब कभी प्रलय हुई होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है दब गई। वैसे मेन जो है उल्लेख ये भी मिलता है कि यहाँ भगवान कार्तिकी का जन्म बताया जाता है इस गुफा के अंदर, और पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास था, एक वर्ष का आज्ञातवास था, तो उस एक वर्ष के आज्ञात के दौरान जो है पांडव यहाँ से राजा विराट के यहाँ चले गए थे, जब उनका जो है आज्ञातवास शुरू हुआ था। और ये क्षेत्र जो है राजा विराट के इसमें आता है, यहाँ चक्रोता के पास आज भी किले के अवशेष हैं जो अभी भी विद्यमान है वहाँ। तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई लाख से ग्रह से घुसे थे, फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि तो इतनी छोटी सुरंग से भीम कैसे आए, बड़े बड़े पांडव तो पहले आ गए लेकिन ये भीम कैसे आया होगा, भीम तो बहुत बलशाली था, बहुत ऊंचे कद का आदमी था, वो कैसे आया। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने यहाँ पे गुप्तवास किया तो कोई जगह उन्होंने बंद कर दी होगी कि भाई इससे आगे नहीं जाना। अभी जैसे वहाँ शिवलिंग है, तो शिवलिंग के पास ऐसी वो है कि आज के कलयुग के आदमी जो है उसको शिवलिंग के रूप में मानेगा, नाग की जैसी आकृति भी आपने देखा ही होगा ऊपर। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चिन्हित जगह उन्होंने कर ली कि भाई ताकि आगे आदमी ना जाए, जबकि वो सुरंग जो बहुत लंबी दिखाई देती है। तो पांडवों का यहाँ बाल अवस्था से लेके और अंतिम अवस्था तक तो उनका बहुत नाता रहा है हिमालय क्षेत्र से। और जो ये लाखामंडल है ये बहुत विशेष है, आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है अवशेष मिलते रहते हैं, इस प्रकार के शिवलिंग भी मिलते हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। और यहाँ जो बनी हुई है गुफा, ये बहुत प्राचीन है, ये काफ़ी समय से, जब हमारे भी 47-48 वर्ष की एज हो गई तो हमने यही देखा कि इसके अंदर जो है ऐसी तो ये काली थी, फिर आज तो धुनी वगैरह भी जलती है तो इससे भी थोड़ा कालापन हो गया, लेकिन ये पहले से बोलते हैं कि भाई ये पहले से काली है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते हैं वो तो ये बताते हैं कि भाई भीम ने जो है जब उन्होंने अज्ञातवास का समय यहाँ व्यतीत किया था तो भीम ने जो है इसके अंदर अग्नि जलाई थी, क्योंकि उनके लिए आग और पानी उस समय बंद कर रखा था, तो उन्होंने यहाँ पे आग जलाई थी, तब से कि ये काला है, लोग ऐसा भी मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इन गुफाओं का, अगर मान लीजिए हम खोदते हैं, हमने भी तो खोदा ही था, लेकिन हमें वो आकृति मिल गई है जो कुदरती बनी हुई है, वहाँ जल टपक रहा है, तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं। अगर इन गुफाओं को खोदा जाए, इनके अंदर का मलबा देखा जाए, तो हो सकता है कि कोई और भी राज आगे छुपे हों इसमें, लेकिन अकेला आदमी क्या करेगा, अभी हमें यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं। और कोई अंदर आए भाई, अब लोग अंदर जा रहे हैं तो जितने बार उस पर लग रहे हैं उतने बार जो है मिट्टी गिरती रहेगी, गिरती रहेगी तो एक दिन ये नीचे आ जाएगी, कहीं ना कहीं से किसी ना आदमी को चोट लग जाएगी। हम सरकार से भी बोलते भाई आप यहाँ पे कुछ कार्य कराओ, क्योंकि लोग तो मानेंगे नहीं, वहाँ शिवलिंग देखने को तो जाते हैं, अब वहाँ का जो हिस्सा है वो थोड़ा कच्चा पड़ गया, कच्चा ऐसा पड़ गया, लोग जा रहे आज थोड़े से पत्थर एक ने छुड़ा दिए थोड़े, क्योंकि ऐसे तो कच्ची है ये गुफाएँ, आप देख रहे कि रेत और पत्थर से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ सत तो है जिसके कारण ये टिकी हुई है। इतने भूकंप आ गए, यहाँ आपदाएँ हो रही, भूकंप बहुत भाई, उत्तरकाशी टच है, अभी उत्तरकाशी में उस समय नहीं हुआ था भूकंप से कितने जाने गए थे, वो जो 6 पॉइंट कुछ तीव्र गति का भूकंप था वो यहाँ भी आया, यहाँ पे भी
पर ये कुदरती की कुछ ऐसी देन है कि जो मतलब इसको कुछ नहीं हुआ, इतनी आपदाएं आई, इतनी बरसातें आई, लेकिन यहाँ पे तो एक पत्थर भी कहीं नहीं गिरा। लोग यहाँ अंदर डरते हैं, बैठने के लिए भी डरते हैं, मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ, मैं यहाँ भगवान का नाम लेता रहता हूँ, तो यहाँ तो कोई ऐसा डर वाली चीज़ हुई नहीं। हमने तो कभी एक पत्थर नहीं देखा यहाँ गिरते हुए। हालांकि जब आप ऊपर के साइड है वहाँ लोग लगाते रहते हैं, तो भी छोटे मोटे गिरते रहते, लेकिन इस एरिया में जो इतना बड़ा एरिया है, तो ये किसी चीज़ से तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको ऐसे थाम रखा होगा कि पूरी ऐसी चट्टान है, बस ऐसे छोटे छोटे पत्थरों से ही कुदरत ने जो है रोक रखा है। तो ये मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है, जो काला काला है ये पहले से ऐसे ही था? पहले से ऐसा ही था, अब ये है कि थोड़ा धुनी जलती है। अब जैसे हमारे यहाँ तो हम ये धुनी यहाँ चेतन रखते हैं, ये धुनी जो है 24 घंटे चेतन रहती है। अच्छा। और आपकी ज्योत है उसको भी चेतन रखते हैं। तो आप अपना जो भी खाना बना है सब यहीं पे बनाते हैं? हाँ, बस ये है कि जब भगत लोग आते हैं उनके लिए एक चाय पानी के लिए रखा हुआ है। अच्छा। कभी हम लोग भी कर लेते हैं भोजन, नहीं तो हमारा घर नज़दीक में, मैं लाखा मंडल भी पुजारी हूँ मंदिर में। अच्छा। और यहाँ पे तो मैं अकेला ही देखता हूँ। तो जो आप लाक्षाग्रह बता रहे हैं वो आप मेरठ की तरफ बता रहे हैं? हाँ, लाक्ष सुना तो था मेरठ की। हाँ हाँ हाँ, असली वो चीज़ वहीं है। आपने सुना था कि लाक्षाग्रह यहाँ पर भी था? जी जी जी। अब ऐसा है ना, ये कई चीज़ें हैं अभी हमारे जितने भी अपने वैज्ञानिक लोग हैं या जो कवि लोग रहे, उन्होंने भी अलग अलग, जैसे कार्तिकेयपुर ही ब्रह्मपुर, तो कार्तिकेय का जो स्थल है, कोई बताता है कि राजस्थान में हुआ था उनका जन्म, कोई बताता है कि इधर गढ़वाल में हुआ, कोई बताता है कि असली तथ्य पर तो कोई गया नहीं। आज वैज्ञानिकों में भी यही चीज़ है कि एक दूसरा दूसरी जगह बताएगा, तीसरा तीसरी जगह, लेकिन इसकी खोज ढंग से किसी ने की नहीं। ये तो कुदरती है कि हमने जब ये थोड़ा केदारखंड में जब इसका पढ़ा, केदारखंड ग्रंथ में जब पढ़ा, तो उसमें जो है इसका पूरा विवरण मिला, वो नदियों का वो मिला है, वो चीज़ें मिली है, तो तभी थोड़ी सी हमारे को भी जानकारी हुई, नहीं तो हमारे को क्या पता था। वो कुछ कुदरती मेरे को एक दिन महाराज जी बैठे हुए थे यहाँ, कोई महाराज जी थे, उनके पास किताब थी, तो मेरे मुखारविंद से जैसे कुछ भगवान ने बोला हो, भाई आप बोलो कि भाई केदारखंड में इसका वर्णन है, आप 42वां 43वां अध्याय देखो। तो महाराज जी देखने लगे, जब देखा उन्होंने तो उसमें सारा विवरण था, यहाँ के एक एक नदियों का, एक एक पर्वतों का पूर्ण विवरण है, जिसमें ये भी है कि जो कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय का जन्म स्थल बताया गया कि वो बिंदु सरोवर के निकट था, यहाँ बिंदु सरोवर था, यानी कि यहाँ पर तालाब ही था, ये तालाब से ही ये बनी। तो ये लाखामंडल, आप गए लाखामंडल, तो लाखामंडल के ऊपर भी वो चोटियाँ दिखाई देती है, तो वहाँ तक जो है आपको यमुना के जो है पत्थर दिखाई देंगे, जैसे वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो यमुना में होते हैं, उसी प्रकार के पत्थर है। तो इसका मतलब ये जगह जो है पहले जल के अंदर रही है, बाद में जब जल नीचे हुआ तो और नीचे चला गया, आज तो 2-2.5 किलोमीटर गहराई पर जल पहुँच गया। नहीं तो लाखामंडल भी ऐसा था, जैसे हर की पेड़ी में मंदिर है, हर की पेड़ी में वैसे जो लाखामंडल के मंदिर बने हुए, तो उस समय यमुना जी बहुत हाइट में थी, आज यमुना जी जो है 2-2.5 किलोमीटर नीचे पहुँच। नदी देख रहे हैं, ये कौन सी नदी? यमुना नदी है, यमुना नदी। इसके लाखामंडल के पीछे से जो है, पश्चिम से जो है, पूरब में जो संगम बना थी, दो नदियाँ हैं, एक को इधर जो है ऋषि गंगा बोलते हैं, एक तो को जो है गोमती गंगा बोलते हैं, और जो सामने से आ रही है उसको वरुण नदी बोलते हैं, इधर से जो है यमुना जी आ रही है, और एक बाण गंगा है जिसको बाण गंगा बोलते हैं, कि अर्जुन ने अपने बाण से जो है उसको निकाला था, वो यहीं बन्नीगाड़ में 1-1.5 किलोमीटर में यहाँ से, तो वहाँ से वो प्रफुटित होती है। तो वहीं से जो है ये बिंदु सरोवर था, जो मतलब चट्टान थी वो बंद होगा, तो ये पूरे उसमें जो है जल ही जल घूमता होगा पहले, तो आज की बात नहीं, ये तो कल्पों की बात है। जैसे लाखामंडल में आपने सुना होगा कि हरियुग के यहाँ शिवलिंग है, आपने सुना होगा वहाँ पे कि भाई ये सफ़ेद रंग का शिवलिंग है, वो सतयुग का है, ये द्वापर के हैं तो ये हरे रंग के हैं, ये लाल रंग के हैं, ये त्रेतायुग के हैं, ये काले रंग के हैं, ये कलयुग के हैं। तो जो ये युग होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं, जैसे कल्प होता है वो बहुत बड़ा होता है, कल्पों में जो है कई युग चले जाते हैं, तो ये कल्पों की चीज़ें हैं, ये आज की चीज़ें थोड़ी, ये कल्पों से बनी है, और युग तो इसमें कहीं चले गए। तो इस भांति के शिवलिंग भी है वहाँ,
छोटे हैं बड़े हैं। अभी एक आदमी को जो है जो जहाँ पे आपने जल चढ़ाया होगा तो वहाँ आपने शिवलिंग देखा, तो उसी आदमी को सबसे पहले, उससे पहले उसको यहाँ एक बाहर छोटा सा शिवलिंग है स्थापित किया हुआ है, उनकी छानी है यहाँ, तो उसने ला करके यहाँ रखा। उसके बाद मिला उसको वो वाला शिवलिंग, वो बूढ़ा आज भी है, उनकी छानी है यहाँ पास में और उनके हाथ से वो स्थापित किया हुआ है। तो वो छोटे से शिवलिंग है इतने से, अब कोई बड़े बड़े हैं। अभी धौरा देवी में पिछले बार जब शिवरात्रि थी तो धौरा देवी में और लाखमंडल में भी 6-7 शिवलिंग मिले थे, जहाँ वो खुदाई स्थल है, 2007 में खुदाई हुई थी, तो उसके बगल में। और धौरा देवी है एक लाखमंडल से आधा किलोमीटर, जब पैदल जाते तो आधा किलोमीटर में है, तो वहाँ जो है 10-12 शिवलिंग जो है नीचे पड़े हुए थे, आज भी वो वहीं विद्यमान है। तब तो वहाँ पर म्यूजियम बन रहा है, तो जहाँ पे सारे शिवलिंग रखे जाएंगे। हाँ, शिवलिंग क्या, वो म्यूजियम तो अब बनाया जा रहा है, अभी भी जो है उसमें जो म्यूजियम का जो उनका अभी जहाँ पे उन्होंने माल गोदाम रख रखा है, अभी तो गोदाम ही कहेंगे, वो म्यूजियम तो है नहीं, तो गोदाम के अंदर जो है आज भी जो है 7 शिला लेख पड़े हुए हैं, जिनमें से जो है केवल 2 शिला लेखों का वर्णन हुआ है, जिसमें जो है कुणिंद वंशजों का है, जयदास इनके वंशजों का है, और शील वर्मन जिसमें जो है ईश्वरा का शिला लेख है, ईश्वरा ने जो है 11 पीढ़ी के 12 राजाओं के नाम उसमें लिखे हैं, जिसमें जो है शील वर्मन जो मतलब मुख्य थे उनके, कुछ उसमें पंक्तियां जो है कटी हुई है, फिर भी वो 24 लाइन का शिला लेख है, उसका वर्णन हुआ है। उसमें जो है उसने लिखा कि भाई जब तक सूर्य चाँद और तारे इस धरती पर विद्यमान रहे तब तक जो है चंद्रगुप्त का ये कीर्ति स्थान बना रहे, क्योंकि ईश्वरा ने जो है सतीत्व प्राप्त किया था, ईश्वरा के जो पति थे उनका उसी दिन देहांत हो गया था जिस दिन उनकी शादी थी, तो इधर जो है ईश्वरा मतलब दुल्हन बन के तैयार थे, लेकिन जब पता लगा कि भाई उनके पति का देहांत हो गया तो ईश्वरा ने कहा कि भाई मैं तो अपने ही पति के नाम से रहूँगी, और उसने सतीत्व प्राप्त किया था, तो उसने वहाँ एक शिला लेख लिखा है, ये कोई मंदिर का भी निर्माण किया उसने ईश्वरा ने, तो उसमें जो है उसने 11 पीढ़ी के 12 राजाओं के नाम लिखे, जो बहुत विशेष बड़े बड़े राजा थे। लेकिन दुख इस बात का है कि आज की डेट में कोई मुद्राएं नहीं मिली उनकी, कोई ऐसी बड़ी खुदाई नहीं हुई, जो सरकार ने वहाँ खुदाई करी होगी तो काफ़ी जो शिवलिंग वगैरह मिलते, अवशेष मिलते, या कुछ उनकी मुद्राएं मिलती, ये प्रयास तो कोई कर नहीं रहा, आज भी वो चीज़ वंचित पड़ी हुई है। जबकि यहाँ पुरातत्विक बड़ी बहुत से ज़्यादा भी सामग्री मिल सकती है जो आज भी जमीन के नीचे दबी हुई है। अब लोग धड़ाधड़ वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, धड़ाधड़ मकान बना रहे हैं, पौराणिकता को ख़त्म कर रहे हैं। अब जैसे पौराणिक मकान है जो लकड़ियों से बने हुए हैं, निर्मित बने हुए हैं, तो उसी प्रकार का उसका डिज़ाइन भी, लेकिन अब गवर्नमेंट वो तो देती है, नोटिस तो देती है, लेकिन उसको रोकती नहीं है। लोगों ने धड़ाधड़ बना दिया, अब वहाँ पर पक्की बिल्डिंगें बन गई। अब बाई चांस बाद में अगर सरकार इसकी खुदाई कराती है या कुछ खोजबीन करती है, जैसे पुरातत्व विभाग करता है, तो वो जो है फिर समस्याएं आ जाएगी बाद में। तो उन चीज़ों को रोकना चाहिए भाई, या तो पूरा निर्माण करना है भाई, पूरी उसकी खुदाई करनी है, तो उन लोगों को फिर ठिकाना दें, व्यवस्थित करें, और उस जगह को जो है स्पेशल ही, जो अभी तक वो मुद्राएँ नहीं मिली और जो उनके राजाओं के टाइम का जो भी कुछ अवशेष थे, वो अभी तक जो है सरकार नहीं कर रही। 2007 में जो है ज़्यादा जो है उन्होंने 20 मीटर के ही एरिया में खुदाई करी है, तो 20 मीटर खुदाई से क्या होता है, जबकि हम तो खुला बोलते हैं उनको कि भाई यहाँ से लेके और आपका 125 किलोमीटर तक जितना पूरा मंदिर का एरिया है पूरे में अवशेष ही अवशेष दबे हुए हैं, पर कोई खोदे तो सरकार के पास या तो पैसा नहीं है, या तो सरकार इसमें लेना नहीं चाह रही है, या तो यहाँ के नेता लोग उसमें वो नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपको कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलती है, आपको अगर असलियत जाननी हो तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है जिस चीज़ के बारे में आपको जानना है। तो आपने पंडित जी को भी सुना जो मंदिर में जिन्होंने बताया, और जिन्होंने पांडव गुफा के बारे में बताया आपने उनको भी सुना। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूँ ही नहीं आती है, वो लोग इस चीज़ को जीते हैं तब जाकर उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो खुले दिल से आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं, और हम जरिया हैं केवल आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा,
और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ें लगातार लाता रहूँगा। और भगवान शिव के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।